देखिए, कृषि के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो जब कृषि के क्षेत्र में लोग जा रहे हैं तो यंत्रों की भी डिमांड बढ़ी है। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर से लेकर हार्वेस्टर और कृषि यंत्र की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। इस वक्त आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने नक्सली हमले को लेकर कहा है कि वो नक्सलियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 11 जवानों की शहादत हुई है, ड्राइवर समेत 11 जवानों की जान गई है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि ये DRG के जवान थे। DRG में भर्ती किए गए जवान वो जवान होते हैं जो नक्सल क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से भांपते हैं, जानते हैं। अमूमन यही बात निकलकर सामने आती है कि CRPF के जो जवान हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से जाकर नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं, तो उनकी जानकारी उस भौगोलिक क्षेत्र को समझने की कम होती है। लेकिन जो DRG के जवान हैं वो असल में छत्तीसगढ़ के ही जवान हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि वो 10 जवान शहीद हुए हैं, ड्राइवर समेत कुल मिलाकर 11 जवानों की शहादत हुई है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। सर, ये दंतेवाड़ा से बहुत खबर आ रही है, सर अरनपुर में नक्सलियों ने पिकअप वैन चुरा लिया, 11 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है, और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है, और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो आप सुन रहे थे भूपेश बघेल को, और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अंतिम दौर में ये लड़ाई है। हमारे साथ रूपेश गुप्ता लगातार बने हुए हैं। रूपेश, अंतिम दौर में बता रहे हैं मुख्यमंत्री लड़ाई, लेकिन फिर भी 10 जवानों की शहादत, एक ड्राइवर की भी मौत की जानकारी मिल रही है, ये किस तरह से सरकार या ये कहिए कि सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब सरकार ये दावे कर रही है कि नक्सलवाद लगातार सिकुड़ रहा है, नक्सलवाद सिमट रहे हैं, तो दंतेवाड़ा जिला में ये घटना होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है, क्योंकि अब तक सरकार की दलीलें ये रही हैं कि सुकमा तक सिमट गया है, लेकिन दंतेवाड़ा में इस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो जगह है वो दंतेवाड़ा और सुकमा के बीच से थोड़ी सी दूरी पर ये जगह है, जंगल का इलाका है, और इन जगहों पर ऐसी वारदातों की अपेक्षा रहती है। लेकिन चूंकि जो अप्रैल और मई का महीना होता है, इन महीनों में नक्सली अक्सर वारदात करते हैं, तो पहला सवाल ये है कि आखिर इसकी जानकारी जो इंटेलिजेंस है उसको क्यों नहीं लग पाई, इस बात की जानकारी वहां के प्रशासन को, पुलिस को क्यों नहीं थी, जब अगर नक्सलियों को समेट दिया है तो उनको जानकारी इस बात की क्यों नहीं थी कि नक्सलियों की मौजूदगी कहां कहां है, किन जगहों पर ये वारदात कर सकते हैं, और पूरी पिकअप को उड़ाना, जाहिर तौर पे जिस तरह से ये ब्लास्ट किया गया है, तो पूरे इत्मीनान से सारी प्लानिंग की होगी, रैकी की होगी, और उस जगह पर जा करके पहले ID को सेट किया होगा, तो जाहिर तौर पे नक्सलियों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। नक्सली जिन जगहों पर अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं ये माना जाता है, वहां पर पूरी तरह से उनका साम्राज्य होता है, और एक बार फिर से ये बात सामने आई है कि नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम कमजोर नहीं पड़े हैं, और तमाम तरह के जो छुटपुट घटनाएं होती रही हैं, लेकिन ये जो घटना है ये बड़ी घटना है, और एक साथ इतना बड़ा अटैक पूरी एक गाड़ी पर बिल्कुल टारगेट पे रखते हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर संवेदना व्यक्त की है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर नक्सलवाद को लेकर के सरकार की जो नीति रही है, सरकार की जो पॉलिसी रही है, उस पर भी सवाल उठेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जब कांग्रेस विपक्ष में थी खूब सवाल उठा रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और उसको लेकर बिल्कुल रूपेश राजनीति अपनी जगह, लेकिन दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जब CRPF के जवान मूव करते हैं अलग तरह के प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, DRG के जवान जब मूव करते हैं अलग तरह के प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, क्या मुझे बताइए कि क्या इनके आगे कोई रोड ओपनिंग जैसी कोई पार्टी साथ में चल रही थी, या फिर जहां पर ब्लास्ट किया गया उस जगह पर एम्बुश भी लगाया गया क्या, क्योंकि अमूमन नक्सली इसी तरह से वारदात अंजाम देते हैं कि अगर उनका ब्लास्ट सफल हो गया तो फिर वो एम्बुश लगाकर गोलीबारी भी करते हैं, किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, जिस तरह से बाकी हमले होते हैं, जो जानकारी फिलहाल ये मिल रही है
की ब्लास्ट करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो आप रोड ओपनिंग पार्टी की बात कर रहे हैं वो खासतौर से तब होता है क्योंकि यही वो जवान है जो जंगल के क्षेत्रों में जाकर के ये देखते हैं कि कहाँ पे जो नक्सली हैं या फिर नहीं है, या फिर ये जो इलाके हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है, यहाँ पे नक्सलवाद नक्सली जो हैं वो किसी किस्म के वारदात की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और ये जो जिला फोर्स है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स, ये बेसिकली स्थानीय लोगों को इसमें लगाया जाता है क्योंकि जब लंबे समय से दफ्तर के इलाकों में ये ऑपरेशन किया जा रहा था तो ये बात सामने आई थी कि जो स्थानीय जानकारी होती है वो जानकारी फोर्सेस को कम मिल पाती है और इन जानकारियों के अभाव में कई बार बोली की जानकारी ना होने की वजह से, भूगोल की जानकारी ना होने की वजह से कई बार नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो इसको रोकने के लिए फिर ये स्थानीय स्तर पर भर्तियां की गई, स्थानीय स्तर पर जो जवान है उनको लगाया गया और वही ये जवान है जो कि पेट्रोलिंग करते हैं, जो जाते हैं आसपास के इलाकों में देखते हैं कहीं बम तो नहीं रखा हुआ है कहीं पे, यहाँ जो इलाका है वो पूरी तरह से सुरक्षित है कि नहीं है, तो ये वही जवान है और उन्हीं को इस बार टारगेट किया गया है। बिल्कुल सीधा मोर्चा लेने वाले ये डीआरजी के जवान हैं जो नक्सल इलाकों को अच्छी तरह से जानते भी हैं, स्थानीय लोगों की भर्ती इसमें की जाती है जैसा कि रूपेश आपको समझा रहे थे। और अभी बीते दिनों फरवरी महीने में भी इस तरह की घटना सामने आई थी जब मुठभेड़ में 3 जवानों की शहादत हुई थी रूपेश, लेकिन इनको मिलने वाली सुविधाओं के लिहाज से कई बार सवाल उठते रहे हैं कि डीआरजी के जवानों को जितना जोखिम भरा काम सौंपा जाता है उतनी सुविधाएं इन तक पहुंच पाती हैं कि नहीं पहुंच पाती हैं। जाहिर तौर पे ये बहुत बड़े सवाल हैं, इनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कितने मॉडर्न होते हैं क्योंकि इनके पास बंदूकें होती हैं, इनके पास टुकड़ियां होती हैं, इनके पास ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए जिस तरह से जिन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से बात की जाती है कि नक्सलियों के पास बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हमेशा वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, और नक्सली जब भी वारदात करते हैं तो जाहिर तौर पे उनका जो इंटेलिजेंस है माना यह जाता है कि भले ही वो बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करें लेकिन उनका इंटेलिजेंस जो सिक्योरिटी पर्सनल है उससे बेहतर है और इसी की वजह से इनके पल पल की जानकारी है और यही वजह है कि इस तरह की घटना हुई। बिल्कुल नक्सलियों के पास कई तरह के आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं पहले सामने आई हैं जब इस तरह से ब्लास्ट किए गए। हालांकि रूपेश ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बलों ने पहले कई बार इस तरह के आईडी बरामद किए हैं, जानकारी के आधार पर आईडी बरामद भी किए गए और असफल भी किया गया इस तरह के प्रयासों को, लेकिन इस बार रूपेश नक्सली कहीं ना कहीं सफल हो गए अपने प्रयास में। और ये चूंकि सब है वो मौका होता है कि जब जो नक्सली है ये अप्रैल और मई 2 महीने होते हैं जिन महीनों में लगातार ज्यादा वारदातों को अंजाम देते हैं, इसके लिए पूरी तरह से वो तैयारी करते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। ये जानकारी सरकार को भी होती है, स्थानीय पुलिस को भी होती है, जो वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको भी ये जानकारी होती है, इंटेलिजेंस को भी जानकारी होती है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर तमाम जानकारियों के बावजूद और लगातार इस तरह की घटनाएं हर साल होने के बावजूद क्या सावधानी बरती गई, क्या सावधानी नहीं बरती गई, किस तरह की चूक हुई। और बड़ा सवाल इंटेलिजेंस को लेकर के है कि आखिर नक्सलियों की मौजूदगी को लेकर के क्यों उनको। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। Z News।